मैं तो वैसे ही बड़ी ना हूँ हाँ मैं आ जाऊँ। बेसिकली क्या है, देखिए कि नॉर्मली जहाँ बचपन बच्चा देखता है, आजकल तो अच्छा हमारे टाइम में तो होता था शादी के बाद प्यार होता था, आजकल तो प्यार ही प्यार हो जाता है, शादी का नंबर आता है कि नहीं पता नहीं तो बेसिकली ये है भाई जो स्टोरी मैंने बनाई है, एक हमने एक बड़े अच्छे सोच समझ के मैंने किया कि आज के ज़माने के हिसाब से कि प्यार बाद में करते रहिएगा, पहले कुछ और कर लें, धीरे धीरे प्यार करो, लाइफ में बहुत कुछ है करने के लिए, पहले बाकी कुछ करो बाद में प्यार कर दें। जी सर, स्क्रिप्ट इतनी अच्छी थी जब फर्स्ट टाइम मेरे पास आई तो मेरे को समझ नहीं आया कि मैं जवाब क्या दूँ। इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है कि आज के यूथ जो है, अच्छा इतनी प्यारी स्क्रिप्ट है जो आज के यूथ से डील कर रही है। ये लव स्टोरी है जो कि एक अलग एंगल दिखा रही है कि प्यार के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते रहते हैं, कि आप प्यार तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद जो जो होता है वो क्या होता है। तो हाँ, मैं पूरी तरह से सहमत हूँ उनसे। हाँ एक्चुअली मैं कहना ये चाहूँगी कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा ये कहानी, बिकॉज रेगुलर स्टोरी नहीं है, लव स्टोरी नहीं है, बहुत अलग किस्म का स्टोरी है, सो आई रियली लव्ड इट। मैं मेन कास्ट निभा रही हूँ, लीड तो हम लोग प्यार कर रहे हैं। फिल्म के अंदर नहीं 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 कॉलेज गर्ल नहीं है, प्रोफेशनल हूँ। एक ये बेसिकली तो मैं बताता हूँ क्योंकि ये कंफ्यूज हैं कहीं कुछ बेसिकली एक कैरेक्टर निभा रही हैं मेन हीरोइन का, और हीरो को इनसे प्यार हो जाता है, और प्यार होने के बाद धीरे धीरे कभी लड़ाई कभी प्यार कभी दूरियां कभी पास वो सब करते करते क्लाइमेक्स तक पहुंचती हैं। क्लाइमेक्स में वो फिर कभी होता है या फिर अभी, वो तो वो क्लाइमेक्स बताएगा आपको पिक्चर का, फिल्म ही बताएगी। मेन उसमें जो कैरेक्टर है वो सौरभ और अर्चिता कर रही है। आज ये बेसिकली होर्डिंग और पोस्टर्स के लिए शूट किया है, फिल्म तो कंप्लीट है, अब डिजाइन वगैरह दिखाने के लिए भाई पोस्टर पब्लिक कैसे आगे आएगी, पोस्टर नहीं देखेगी तो ऑडियंस आएगी कैसे। तो आज हम लोग पोस्टर शूट कर रहे हैं और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं और बहुत ही डिफरेंट पोस्टर्स हम लोगों ने प्लान किए हैं, तो होप सो कि सबको पसंद आए। अर्चिता इज लुकिंग एज हॉट एज शी इज एंड शी इज वेरी गॉर्जियस, एंड मैं एक एवरेज लुकिंग दिख ही रहा हूँ साइड में खड़ा हुआ। आज कॉम्प्लीमेंट इसको मिले हैं, वो आदत होती है। मैंने सुना था कि लड़कियों को अपनी वैसे तारीफ ज्यादा पसंद आती है। मूवी में सबसे ज्यादा हॉट मिस्टर अजय। अच्छा आप अभी भी थर्मामीटर लगाइए 104 टेम्परेचर, वो तो आ रहा होगा ना। हार्ट बीट भी बढ़ गई होगी क्योंकि पैसे बहुत लगे हुए हैं ना इनका, क्या ये तो जेब में रख के रहते हैं नोट। क्या क्या, एक सेकंड प्लीज साइलेंस, अरे पीछे जरा प्लीज थोड़ा सा। हाँ आई एंजॉय इट एक्चुअली। हाँ टफ तो थे ऑब्वियसली, हाँ हमेशा की तरह, बट आई थिंक बट वी एंजॉय इट, वी लव इट, वी लव टू डू इट, तो वो अंदर का पैशन इंटरेस्ट लव सब कुछ उभर के जब आता है आपके अंदर तो आप कठिन चीज को भी एंजॉय करते हो। तो ये पोस्टर कॉन्सेप्ट अपने आप में इतने इंटरेस्टिंग है कि अगर टफ भी होगा तो मैं खुशी खुशी करूंगा। That's a movie. और जितना अच्छा लगेगा उतना ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा, अगर हमको अच्छा लग रहा है या डायरेक्टर साहब को प्रोड्यूसर साहब को अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली अच्छा है कि ये कितने भी दुखी हो लेकिन बेचारे फिर भी कैरेक्टर में घुसे रहते, हंसते रहते, हमेशा हंसते रहते हैं। इनको आप थप्पड़ मार के देखो फिर भी हंसेंगे। नहीं सर ये ऐसे नहीं, ऐसे नहीं ज्यादा हो रहा है।
नहीं गाने इसमें सारे प्यार भरे हैं, सारे मैंने दुखी गाने रखे हैं, ज्यादा ही प्यार है, दिल खोल के प्यार किया गया है। हम लोग आगरा पहुंच गए, हम लोग ताजमहल पे पहुंच गए, हम लोग इंडिया में जितनी भी आप रोमांटिक डेस्टिनेशन सोच सकते हो हम हर जगह पहुंच गए, हमने हर जगह पे किसिंग शॉट भी दिए शायद। नहीं गाने अच्छे हैं, रोमांटिक हैं, और आई एम श्योर कि जब जिस ऑडियो रिलीज होगा तो नेचुरली पब्लिक को अच्छा लगेगा। आप सबसे पहले आप लोग पसंद करेंगे गानों को, और आप लोग ही हैं जो प्रमोट भी करने में मदद करेंगे हमारी, तो इसलिए कि आपको अच्छे नहीं लगे तो आप क्यों तारीफ करेंगे, क्यों दिखाएंगे, तो मैंने अच्छे बनाने की कोशिश की। और सारे रोमांटिक गाने हैं, अच्छे हैं, प्रमोशनल भी हैं। एक गाना नंबरदार का है जो प्रमोशन पे डाला है, डालूंगा मैं, और आई एम श्योर दैट्स ए गुड सॉन्ग। मतलब आपने पकड़ लिया सर, ये छोड़ोगे नहीं आप, है ना? मौका मिलना चाहिए। वो फिल्म में किसिंग सीन कितने, वो तो फिल्म में देख पता चलेगा, अभी तो बोल रहे तो बच्चे पहुंच रहे हो। नहीं नहीं इमरान नहीं सर, इतना बड़ा गोल नहीं मैंने सेट किया। इमरान हाशमी की बराबरी तो ना मैं कर सकता हूँ ना ये कर सकते हैं, तो नेचुरली वो एक अलग इमेज है और अलग पर्सनैलिटी है। एक्चुअली ही इज अ गॉड ऑफ किसिंग। लेकिन जितना जरूरत है उतना ही किया है। प्यार में किस ना हो तो फिर तो प्यार नेचुरल है, और किससे ज्यादा मैंने प्यार में कुछ डाला नहीं। किस तक की लिमिट में रखा है सर आप बताइए, आपसे बेस्ट कोई नहीं बता सकता। अगर आप चुप रहे हैं तो मैं बिल्कुल बिल्कुल सर आपका हंसना नहीं, बिल्कुल नहीं हंसना। अच्छा ठीक। फिल्म का बेसिकली एक डिफरेंट स्टाइल की लव स्टोरी है। आई एम श्योर कि इससे पहले लव स्टोरी ऐसी नहीं आई होगी, और मैं चाहूँगा जो भी पब्लिक देखे कुछ मैसेज उनको मिलेगा कि प्यार करने में हम लोग एक मेन चीज़ रहती है कि आजकल जिसको देखो हर कोई प्यार करने लग जाता है, आज प्यार होता है चार दिन बाद टूट जाता है। तो मेरी कोशिश मैंने की है कि उस प्यार को अंदर से फील करें और अपने लाइफ पार्टनर का साथ दें, सब उसको समझें, समझने की कोशिश करें, जिससे कि वो प्यार लंबे टाइम तक चले। मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि हम लोगों ने बहुत मेहनत किया है इसमें, तो बहुत अच्छा लगेगा हम लोगों को आप लोग अगर सभी आके दर्शक लोग देखें, और अच्छा लगेगा बुरा लगेगा वो बात की कमेंट है, बट इट विल बी अ ग्रेट प्लेजर टू सी ऑल ऑफ यू इन द सिनेमा। थैंक यू। ऑडियंस को ये कहना चाहूँगा कि बहुत मेहनत की है, खतरों के खिलाड़ी से जर्नी स्टार्ट हुई थी आप लोगों के बीच में ही, और मैं चाहूँगा कि पहली पिक्चर है, प्लीज़ आके देखिए, और जो अजय जी ने बोला है एकदम सही, वर्ड बाय वर्ड सब सच है, तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है। थैंक यू। मॉडलिंग की दुनिया से एक सॉन्ग, मॉडलिंग की दुनिया से अब मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ रही हूँ, मैंने इस मूवी में एक प्रमोशनल सॉन्ग किया है विच इज़ रियली नाइस, इट इज़ अ ब्यूटिफुल ट्रैक, एंड होपफुली आप सब जब ये सॉन्ग देखेंगे तो आपको देख के बहुत मज़ा आएगा। हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, एंड बिकॉज सौरभ इज़ माई वेरी गुड फ्रेंड, तो मैं उनको बहुत बेस्ट ऑफ लक देना चाहती हूँ, एंड ऑब्वियसली मेरे सारे गुड विशेज उनके साथ हैं। होपफुली ये फिल्म बहुत ही अच्छा काम करेगी इंडस्ट्री पे, एंड इट विल बी अ ब्लॉकबस्टर। उन्होंने मुझे बताया है फिल्म की कहानी बहुत ही मज़ेदार है, और आई थिंक आज के यंगस्टर्स इस मूवी से बहुत ज़्यादा रिलेट करेंगे, एंड जब आप भी ये मूवी देखेंगे तो आपको भी बहुत अच्छी लगेगी। फिलहाल तो मैं भी वेट कर रही हूँ, मुझे भी मूवी देखना है, मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट आई एम श्योर इट्स अ ब्यूटिफुल फिल्म। सॉन्ग
जी नहीं, मैं फिल्म में सीन नहीं करना चाहती हूँ. आई विल डेफिनेटली बी लॉन्चिंग माई सेल्फ एज अ हीरोइन वेरी सून, बट आई एम वेरी हैप्पी विद दिस सॉन्ग क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत गाना है और सॉन्ग के लिरिक्स बहुत अच्छे हैं. एंड आई थिंक बहुत जल्दी जब ये गाना मार्केट में आएगा तो हर यंगस्टर की जबान पर यही गाना होगा. फिल्म की कहानी डायरेक्टर और प्रोडक्शन हाउस के ऊपर डिपेंड करता है कि मेरे ऑपोजिट कौन एक्टर रहेंगे.